हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, जो लिखा है जीएल फ्योंटिस ने। ये जो चैप्टर है वो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा है और इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंजो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग द हाउस से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। उस पूरी वैली के अंदर इकलौता एक ऐसा घर था जो कि क्रेस्ट पे था। क्रेस्ट यानी होता है टॉप ऑफ द हिल, एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इतनी ऊपर हाइट थी उसकी कि उस हाइट से कोई भी रिवर देख सकता है, नदी देख सकता है, वहां से आपको पूरा खेत दिखेगा, जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न आपको पता ही है, मकाई जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके ऊपर जो थे फ्लावर्स लगे थे, और फ्लावर्स देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि इस बार का हार्वेस्ट बहुत ही बढ़िया हुआ है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट शावर। सिर्फ कमी थी, सिर्फ जरूरत थी तो एक डाउनपोर की, यानी होता है सडन फॉल ऑफ रेन, एक बारिश की जरूरत थी, या तो फिर हम लोग कहेंगे सिर्फ एक शावर ही क्यों ना हो जाए, थोड़े बूंदे ही क्यों ना गिर जाए पानी के, क्योंकि अगर ये होगा तो और अच्छे से फसल उगेगी और अच्छी खासी इनकम अर्न होगी हमारे यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है लेंचो उनके लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहाँ पे जो लेंचो है वो सुबह में अपनी फील्ड्स को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो उस दिन कुछ नहीं करते, बस वो स्काई की तरफ देखते हैं। मतलब वो डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं वो, और वो अपनी वाइफ को कहते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमेन। वो कहते हैं कि मुझे आसमान देखने से ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो गिरने वाली है, अच्छी खासी बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब उनकी जो ये वाइफ है, वुमेन यानी उनकी वाइफ, जो उस टाइम पे सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर यानी होता है जो शाम का खाना होता है, मतलब जो दिन का आखिरी खाना, उसको हम लोग सपर कहते हैं। वो क्या रिप्लाई करती है, वो कहती है यस गॉड्स विलिंग, हाँ हाँ क्यों नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो ये भी होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम ऑन फॉर डिनर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ओल्डर बॉयज यानी जो बड़े बच्चे है वो सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे बच्चे है वो सारे घर के नजदीक में खेल रहे हैं वो लोग, और वो लोग तब तक खेलते रहते हैं और जो बड़े बच्चे तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि जो उनके मदर है यानी जो वुमेन है वो उनको बुला नहीं लेते सभी को, और वो बुला के क्या कहते हैं, कम ऑन फॉर डिनर, खाना जो है, डिनर जो है वो तैयार हो चुका है, सभी लोग आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब मील का टाइम था और उस टाइम पे जैसा ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं बारिश के वो शुरू हो जाते हैं, मतलब कि बड़े बड़े बूंदे गिरने लगती है बारिश की। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट था वहां से देखने से ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े बादल है उसके, बड़े पहाड़ बन के आ रहे हैं इस तरफ, और ऐसा देखने से लग रहा था कि बारिश बहुत बढ़िया होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और वहां की हवा जो थी वो ताजोतरा थी और बहुत मीठी बू आ रही थी, यानी आपको पता ही होगी कि जब भी बारिश होती है तो मिट्टी की बू आती है और अच्छी अच्छी स्मेल आती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब यहाँ पे जो लेंचो है यानी उनको मैन कहा गया है, वो बाहर जाते हैं कोई भी रीजन के बिना, मतलब कि कोई रीजन नहीं होता उनका बाहर जाने का, जस्ट वो उस मौसम का एंजॉय लेना चाहते हैं, वो प्लेजर फील कर रहे हैं, प्लेजर यानी होता है खुशी होती है उनको मन के अंदर, और जिस वजह से वो अपनी बॉडी पे बारिश जो है वो फील करते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो रिटर्न होते हैं वो क्या कहते हैं उनके वाइफ को और सभी लोग को, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन आर 5। मतलब वो बहुत ही खुश होके ये चीज कहते हैं कि ये सिर्फ बारिश नहीं है जो आसमान में से गिर रही है, सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये तो हमारे कॉइन्स गिर रहे हैं, और जो बड़े ड्रॉप्स है वो हमारे लिए 10 सेंट है और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो सर है हमारे लिए 5 सेंट है। यहाँ पे वो कहना ये चाहता है कि हमारी इतनी अच्छी खासी हार्वेस्ट हुई है, इतनी अच्छी खासी फसल हुई है, बारिश अच्छी खासी
से गिरेगी तो उससे और भी अच्छा खासा अर्निंग होगा हमारे लेंचो को। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। और जब उनको बारिश के बारे में पता चलता है तो उनके फेस पे एक सेटिस्फाइड वाला एक्सप्रेशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो संतुष्ट होते हैं। और वो संतुष्टि उनके किस लिए होती है कि उनके जो राइप कॉर्न है, राइप कॉर्न यानी कि ऐसे जो मकाई है, वो मतलब मान लो कि बस हार्वेस्ट अच्छा खासा हुआ है, बस थोड़ा ही टाइम है, थोड़ी ही देर है, उसके बाद उनको अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। इस वजह से उनको एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आता है। ड्रेप्ड यानी होता है कवर्ड, मतलब कि पूरा का पूरा जो उनका खेत है वो कवर्ड हो चुका है रेन के साथ, जैसे मान लो उसके ऊपर एक कर्टेन बिछा दी गई हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। अब होता क्या है, तेज हवा चलने लगती है और तेज हवा चलने के साथ साथ जो बारिश हो रही होती है उसके साथ साथ लार्ज हेल स्टोन यानी कि हम लोग कहेंगे उसको ओले गिरना। देखो जैसा आप फोटो में देख सकते हो वहां पे ओले गिर रहे हैं और ओले गिरने के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मान लो आसमान में से सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देम टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब वहां पे जितने भी बॉयज होते हैं वो सारे बाहर जाते हैं और बाहर जाके वो आसमान में से जो ओले गिर रहे हैं उनको यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स कहा गया, उनको कलेक्ट करते और एक्सपोज करते हैं। मतलब उनको पता नहीं था कि ये गिर क्या रहा है, उनको पता नहीं था कि ये क्या है, बाद में पता चली कि तो एक हेलस्टोन था। ठीक है, तो वो सब उसको कलेक्ट करते और उसको एक्सपोज करते कि देखो यार आसमान में से ओले गिर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब यहाँ पे जो मैन है यानी लेंचो है वो कहते हैं कि सही में ये हमारे लिए बहुत ही खराब है एंड आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जल्द से जल्द यहाँ से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं होता, वो जल्दी वहां से नहीं निकलता। फॉर एन अवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और एक घंटे तक ये जो हेल है वो गिरती रहती, यानी ओले है वो गिरते रहते हैं आसमान में से। एंड द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, जो मतलब वहां पे जितने भी गार्डन है, हिल साइड, कॉर्न फील्ड या पूरी वैली की बात करें, सब जगह ओले गिर चुके थे। द फील्ड वॉज व्हाइट एज ये कवर्ड विथ सॉल्ट, और यहाँ पे जो खेत है वो व्हाइट हो चुका था, ऐसा मानो कि जैसे वहां पे सॉल्ट है। मतलब पहले इसको कंपेयर किया था फ्रोजन पल्स के साथ ओले को, अब यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है सॉल्ट के साथ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब हुआ क्या, जो ओले थे उसकी वजह से इतने जबरदस्त ओले गिरे कि मानो पेड़ पे एक पत्ता भी ना बचा हो, इतने जबरदस्त ओले गिरे। और वहां पे जो कॉर्न थे, कॉर्न यानी जो मकाई थी, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब सीधी सी बात है, ओले गिरेंगे तो ओले का भार इतना होगा कि जिसकी वजह से वो पूरा खेत बर्बाद कर सकता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और हुआ भी ऐसा, वहां पे जितने भी फ्लावर्स थे जिसपे मतलब जो मकाई आने वाली थी वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी दुखी हो चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। अब जब ये जो पूरा स्टॉर्म जो था, ये जो पूरा तूफान था, ओले जिसमें गिर रहे थे, वो जब चला जाता है उसके बाद लेंचो फील्ड के बीचों बीच खड़ा रहता है और अपने बच्चे को कहता है। देखो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो कि वो जो लेंचो है वो अपने फील्ड में खड़ा है और उसके पीछे जो उसका पूरा खेत है वो बर्बाद हो चुका है, वहां पे अब कोई भी पत्ता भी नहीं बचा और पीछे जो पेड़ है उस पे भी देखो कोई पत्ते नहीं बचे। और वो अपने बच्चे को क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब यहाँ पे जो लेंचो है वो अपने बच्चे को कहते हैं कि अगर मान लो लोकस्ट, लोकस्ट यानी होता है टिड्डे, या तो हम लोग ग्रास ऑपर कहेंगे, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वैम ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब ऐसे वो लोग जब अटैक करते हैं तो पूरे के पूरे खेत बर्बाद कर देते हैं, जैसा आपने ज्यादातर सुना होगा न्यूज में, और पंजाब साइड ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो ज्यादा छोड़ जाते हैं, ज्यादा क्रॉप्स बचा जाते हैं, बल्कि यहाँ पे जो हेल है, जो ओले गिरे है, उन्होंने तो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दिस ईयर, और ये साल हम लोग को कोई भी तरह के कॉर्न नहीं मिलेंगे। और वो जो रात थी वो बहुत ही दुख से भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितने भी मेहनत की, जितने भी पसीना बहाया, सब फालतू में सब बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे अब कोई भी नहीं है जो हमको हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें मान लो भूखा ही रहना पड़ेगा, हमारी सारी मेहनत जो है वो चली गई है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर
there was a single hope, help from the God. अब देखो यहाँ पे जो सोलिटरी मतलब होता है अलोन, यहाँ पे वो लोग का जो घर था वैली में, मिडल ऑफ द वैली में अकेला घर था, और सभी लोग जितने भी उस घर में रहते थे सभी लोगों के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, सिर्फ एक ही आशा बची थी, और वो आशा किसकी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उनको मदद मिलेगी. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. यानी यहाँ पे जो लेंट जो है वो कहते हैं कि कोई भी अपसेट मत हो, अब हमको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारा टोटल लॉस हो गया है, बट याद रखना कभी भी कोई भूख की वजह से नहीं मरता. अब उनका एक फैमिली मेंबर बोलता है, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो कहते हैं ना सब लोग कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मर सकता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. मतलब पूरी रात उन लेंचो के दिमाग में एक ही सवाल, एक ही जवाब चल रहा था, और एक ही आशा थी, और वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान से उनको मदद मिले. आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. और वो ऐसा कहते हैं कि उनकी जो भगवान की आंख है वो मतलब सब पे होती है, और भगवान सब कुछ देख सकते हैं. इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, मतलब कि किसी का जो इनर मतलब अंतरात्मा होती है, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. कंसाइज का मतलब होता है कि भगवान को सब कुछ पता होती है, सबके मन की बातें पता होती है कि क्या सही है क्या गलत है. इस वजह से लेंचो के मन में एक उम्मीद होती है कि शायद भगवान उनकी मदद करे. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो जो था वो एक ऑक्स था. यानी कि यहाँ पे ऑक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनतू था, बहुत ही मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो एक जानवरों की तरह फील्ड में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उनको मालूम था कि कैसे लिखा जाता है. सोचो एक फिजिकल वर्क तो उनका था ही, फिजिकल लेबर जो था वो तो था ही, बट साथ साथ में उनको लिखना भी आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो लेंचो है वो नेक्स्ट संडे डे ब्रेक के टाइम पे, यानी कि जो दोपहर का टाइम है, वहां पे लेटर लिखेंगे और वो खुद जाएंगे टाउन तक और वो खुद उसको मेल में डाल देंगे. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लेटर था जो भगवान को एड्रेस किया जा रहा था. वो उसमें क्या लिखते हैं, ही रोट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप हमें मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म. अब वो ये कहते हैं मेरा जो खेत है उसमें वापस बीज बोने के लिए मुझे 100 pesos की जरूरत है, और वापस मुझे क्रॉप को जिंदा करने के लिए इतने पैसे चाहिए. और आपको तो पता ही है बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म ने क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो ऊपर बताया था कि भगवान को अंतर मन की सारी बातें पता होती है. अब वो लिखते हैं ही रोड टू द गॉड ऑन द एनवलप. एनवलप पे हेडिंग में एड्रेस देते हैं टू गॉड, ठीक है, उस तरह से वो अंदर लिखते हैं. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन. वो लेटर जो है वो एनवलप के अंदर डालते हैं और थोड़ी ट्रबल यानी थोड़ी परेशानी उठा के वो टाउन जाते हैं. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. अब पोस्ट ऑफिस में जाके वो स्टैम्प लेते हैं, लेटर पे स्टैम्प लगाते हैं, और उसके बाद वो मेल बॉक्स में अपना लेटर डाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं. वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he know that address. Okay, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोली गई है कि इनमें से एक employee था जो postman था, जो बहुत ज्यादा ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हंसता है, और वो अपने बॉस के पास जाता है और वो अपने बॉस को जाके दिखाता है कि देखो ये मेरे को कौन सा लेटर आया, लेटर टू गॉड आया. और वो बोलता है कि मैंने मेरे पूरे करियर के अंदर ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जिसमें भगवान का एड्रेस लिखा हो, और उनको पता भी नहीं ऐसा कोई एड्रेस भी मौजूद है या नहीं. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल. अब देखो यहाँ पे एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली थे और प्लीजेंट इंसान थे जो पोस्ट मास्टर थे, वो उनके जो बॉस थे वो फेलो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंगली बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड. अब होता क्या है कि जब वो जो पोस्ट मास्टर है वो थोड़े से मोटे इंसान थे, अच्छे खासे थे, फ्रेंडली, उनका जो बिहेवियर था वो फ्रेंडली था, और वो भी हंसने लगते हैं उनके साथ, पोस्टमैन के साथ साथ पोस्ट मास्टर भी हंसने लगते हैं. बट अचानक वो थोड़े सीरियस से हो जाते हैं और उस लेटर को अपने डेस्क पे टैप करते हैं. टैप यानी कि वो रखते हैं और क्या कमेंट करते हैं, What faith? I wished I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. मतलब वो कहते हैं कि क्या विश्वास है उनका
मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी इतना अच्छा विश्वास है जितना कि लेंचो को गॉड के अंदर है, जिन लेंचो ने जो लेटर लिखा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक कॉन्फिडेंस होगा कि सामने भगवान कुछ एक्शन लेंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे, तभी जाके कोई पर्सन भगवान को लेटर लिखेगा। तो वैसा ही वो पोस्ट मास्टर थे, वो कहते हैं, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो का जो फेथ है भगवान में, जो विश्वास है, वो तोड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। और वो आइडिया क्या था कि वो खुद भगवान बन के उनको आंसर करेंगे, भगवान की तरफ से लेंचो को आंसर देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, जब वो उसको खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसको खोल के जब देखते हैं तब उनको ये दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर, गुडविल यानी होता है अच्छी बातें या अच्छी भावना, या इंक या पेपर की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा और कुछ चीजों की भी जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट उन्होंने जो ठाना था, उनका जो दृढ़ निश्चय था, उन पे वो टिके रहे। एंड ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, और आप सबको पता ही है उस लेटर के अंदर उन्होंने पैसे मांगे थे। तो वो भी क्या करते हैं, लेटर जो था उसका रिप्लाई देने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलके वो पैसा इकट्ठा करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा लेंचो को देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो यहाँ पे पोस्टमास्टर अपने फ्रेंड्स से ऑब्लिज करते हैं, ऑब्लिज यानी टू बी हेल्पफुल, वो उनसे हेल्प मांगते हैं कि वो कुछ अपना पैसा एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी उनको दे दे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, और यहाँ पे जो पोस्टमास्टर थे उनके लिए ये चीज इम्पॉसिबल थी कि वो इतने सारे पैसे खुद अकेले इकट्ठा कर सके, इसलिए वो सबसे मदद मांगते हैं। सो ही एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, और ये सब करने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ लिटल मोर देन हाफ यानी यहाँ पे 70 pesos ही वो दे पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेसिंग टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो पैसा जो था वो एनवलप में डालते हैं, एनवलप पे एड्रेस में लेंचो लिखते हैं, टू लेंचो, और उसके बाद एंड में सिर्फ एक सिग्नेचर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ गॉड का नाम लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। अब होता क्या है, जो नेक्स्ट संडे आता है तो लेंचो टाइम से पहले आ जाता है और वहां पे आके पूछता है क्या उनके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्मड अ गुड Did, looking on from his office. अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो पोस्टमैन है वो लेटर खुद लेंचो को हैंडल करते हैं, यानी वो बोलते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे नाम से एक लेटर आया है, और वो उनको हैंड में उनके हाथों में पकड़ा देते हैं। जबकि पोस्टमास्टर वो अपनी ऑफिस में से देख रहे होते लेंचो को और बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, जिस वजह से उनको बहुत खुशी होती है मन में। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब यहाँ पे जो लेंचो था वो जरा भी सरप्राइज नहीं होता पैसों को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पता नहीं शायद वो उसका कॉन्फिडेंस हो, बट जब वो पैसा गिनता है तो उसकी शक्ल से देखने से ऐसा लग रहा था वो गुस्सा हो गया है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक Nor could he have denied Lencho what he had requested. यानी यहाँ पे भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई यानी कि रिजेक्ट करना, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही जब वो पैसे गिनता है थोड़ा सैड होता है यानी थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो विंडो की तरफ जाता है और वहां पे जाके पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहां पे जो नॉर्मल पब्लिक सब लोग लिखते हैं वहां पे वो टेबल पे जाता है और लिखना शुरू करता है। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, व्रिंकलिंग यानी होता है टू फॉर्म स्मॉल लाइंस, यानी उनके जो आईब्रोज थे या उसके ऊपर जो व्रिंकल्स हो गए थे जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। शायद वो अपने आइडियाज अपने एफर्ट उसमें देना चाहते थे, अपने आइडियाज दर्शाने चाहते थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिट। अब होता क्या है कि वो जब लिख लेते हैं उसके बाद वो विंडो की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके
स्टैंप मांगते हैं और उसको लीक करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स यानी उसको फिक्स कर देते हैं एनवलप पे विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एक जैसे थप्पा मारते हैं वैसे वो अपने फिस्ट से अपने जो हाथ होता है उससे एक ब्लो करते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब होता क्या है, वो जैसे ही मेल बॉक्स में वो उनका लेटर डालते हैं पोस्ट मास्टर तुरंत जाते हैं और वहां जाके वो उसको देखना चाहते हैं कि उसने क्या लिखा है ऐसा, तो उसकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा था कि वो खुश हुआ है बल्कि वो गुस्से था, इसलिए वो उनको बहुत ऐसा था कि वो जाके देखे। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोस रीच मी। मतलब वो कहता है, लेंचो लिखता है कि गॉड मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे पहुंचाओ। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड मी टू मी थ्रू द मेल, बट ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि सारे चीटर लोग है, ठीक है। और वो लास्ट में लेंचो लिख के वो लेटर को फिनिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पोस्ट मास्टर ने इतनी अच्छी हेल्प की है उसके बावजूद लेंचो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बीच में जो पैसे थे वो एम्प्लॉयज जो है पोस्ट ऑफिस के उन्होंने चुरा लिए, इसलिए भगवान को बोलते हैं कि अब मुझे कोई और तरीके से पैसे भेजना। तो ये जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत मजा आया होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।